दोस्तों, क्या आप अपने पुराने TWS के खराब बैटरी से परेशान हो या उनके परफॉर्मेंस से परेशान हो, सिंपल वर्ड्स में उनके स्टैमिना से परेशान हो, तो आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हूँ जिसकी बैटरी चलती है लिटरली 150 घंटे। ये हुई ना कोई बात, यही वाला प्ले टाइम तो चाहिए दोस्तों। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है विंग्स तरफ से आने वाला पावर पॉड्स गेमिंग ईयरबड्स। इसके आप देख सकते हो 150 घंटे का प्ले टाइम है। एचडी कॉलिंग लेके हम लोग मानते नहीं है, लोग चेक करके बताएंगे आपको। इससे हम लोग अपने मोबाइल चार्ज करके भी देखेंगे, पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। वैसे वाला सीरियस नोट, विंग्स का जो पावर पॉड्स वाला सीरीज है ये ऐसे ही होता है, बैटरी वैटरी से बहुत भयंकर मिलती है आपको। सबसे पहले आपको विंग्स का कुछ ऐसे स्टिकर मिल जाएगा, ये रहा है इनका पावर पॉड्स ईयरबड्स। और भाई भारी तो है, फर्स्ट इंप्रेशन में देखने में बहुत प्रीमियम सा लग रहा है। इसके ऊपर ये मैट एंड ग्लॉसी फिनिश है, देखने में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। ओपन होता है बड़ा क्लासी तरीके से और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का LED मिल रहा है 99% आउट। इवन की इसका केस भी काफी सेटिस्फाइंग सा है, क्वालिटी तो बहुत अच्छी लग रही है। और ये रहा आपको पावर पॉड्स, इसको नहीं देना चाहिए विंग्स वाले, इसको हटा सकते हो, एक्सपीरियंस खराब कर दिया इसने। अभी उन्होंने इसको लगा दिया, अब ये रेडी अपने जादू दिखाने के लिए। और केबल है माइक्रो यूएसबी वाला, वाई टाइप सी दे सकते थे आप लोग, क्या बोलते हो? और एक्स्ट्रा ईयरबड्स एंड कुछ पेपर डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर ज्ञान की बातें हैं जो कि हमको पसंद नहीं दोस्तों, आपको पता ही होगा। 2 hours later. So, अभी हम लोग ने इसके जम के टेस्ट यूज़ कर लिए। सबसे इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं आपको, जब आप इसको ऐसे ओपन करते हो इसमें मस्त सी आवाज आती है, लिटरली ये आवाज इसके बड्स से आ रही है। और एक बार इसके बड्स की फिटिंग देखते हैं एक बार, बहुत ज्यादा प्रॉपर लगा है मुझे, क्योंकि अगर मैं बताऊं दौड़ कौन लूंगा तो भी कुछ गिरने होने वाला नहीं है, जॉगिंग होंगे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप इसका बड्स देख रहे हो, सबसे पहले तो एक तरह से ऐसे है तो आप कान में मस्त ऐसा फिट सा हो जाता है, दूसरा इसका बड्स बहुत ज्यादा स्मॉल सा है तो काफी ज्यादा डीप चला जाता है और फिटिंग में अलग ही मजा आ जाए। और दूसरा भाई इसके वेट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसके अंदर लिटरली 2500 mAh की बैटरी है। अगर आप बड्स यूज करो 84 grams उठाओगे और बड्स के साथ 93 grams का, देखो बहुत ज्यादा ये वेट नहीं है, एक नॉर्मल फोन 200 ग्राम से ऊपर का आता है आजकल, केस लगाने के बाद तो 250 पहुंच जाएगा, लेकिन ये है 100 ग्राम का। और अगर मैं इसको कैरी करने की बात करूं डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑफ कोर्स नॉर्मल बड्स के सामने थोड़ा सा ज्यादा वजन कैरी करना पड़ेगा, लेकिन उसके फायदे भी है। ये जो आप कवर देख रहे हो इसके अंदर है 2 गड्ढा और ये दूसरा वाला गड्ढा लिटरली आपके फोन को चार्ज कर सकता है। देखो भाई आपके छोटे मोटे बड्स को भी चार्ज कर सकता है, तो काम की चीज तो है, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो फायदा करेगा। और अच्छी बात है कि इसका बैटरी इंडिकेटर भी पूरा हेल्प कर देता है, भाई कितना बैटरी चार्ज हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा, डेफिनेटली ये वाला गड्ढा आप कैरी कर सकते हो। और अगर बात करते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की, तो उसमें बिल्कुल भी इशू नहीं लगा। इसकी जो प्राइसिंग है 2000 रुपए, लेकिन विंग्स ने स्टार्टिंग के लिए आपको 1500 रुपए का प्राइसिंग रखा है, जो कि आपको स्टार्ट के 2-3 दिन मिलने वाला है, तो उसके हिसाब से डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, ये जो इसका मैग्नेट है भाई उतना ज्यादा अच्छे से चपकता नहीं है, थोड़ा सा लूज सा फील होता है, देखो तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा काम कर सकते थे। लेकिन अभी बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी के बारे में। इसको एक एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट कर रखा है मैंने अभी, भाई अपना फेवरेट गाना चला देते हैं, बहुत ज्यादा फेवरेट है ये। देखो एक्चुअल में इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा पॉप्ड अप है, भाई अच्छा गाना भाई फील आ गया, आप लोगों को सुनाता हूँ। देखो इस वाले सॉन्ग में लिरिक्स बेस वाइप सब चीज है, और डिफरेंटली मैं बताऊं इस वाले एयरफोन्स का वॉल्यूम बहुत ज्यादा प्रॉपर लगा है मुझे, बस बेस और अच्छा हो सकता था, लेकिन अच्छी बात है कि फुल वॉल्यूम पे डिस्टॉर्शन फील नहीं हो रहा है, अंदर फिट इतना अच्छा आ रहा है ना कि भाई गाने में मजा तो आ रहा है। कुछ बोलियो बाहर से, खेसारी लाल बुला रहा है, आवाज नहीं आ रही है, वॉल्यूम पॉज कर बोलियो, कुछ खेसारी लाल बुला रहा है, खेसारी लाल बुला रहा है। लेकिन 2000 रुपए के हिसाब से आपको ज्यादा बेटर म्यूजिक क्वालिटी अवेलेबल मिल जाएगा मार्केट में, लेकिन इसका टारगेट अलग है, ये है फॉर गेमिंग एंड बैटरी लाइफ। तो नेक्स्ट हम लोग गेमिंग ट्राई कर लेते हैं, और आप सभी के लगा देता हूं मैं आपका फेवरेट BGMI। और जब तक गेम लोड हो रहा है अपना, हम लोग यहां पे प्रेस एंड होल्ड करके 2 सेकंड के लिए गेम मोड ऑन कर लेते हैं। सभी लोग TDM खेल रहा हूं भाई, वॉल्यूम सच में काफी ज्यादा भरा हुआ भाई इसमें, एक्चुअली जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। अभी तक इसके ऊपर हम काफी सारे गेम ट्राई किए, एक्चुअल में बहुत ज्यादा अच्छी लेटेंसी है इसका। विंग्स जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं गेमिंग फ्रेंडली होते हैं, आपको एक बार ट्राई कराते हैं कि कैसा एक्चुअल एक्सपीरियंस आएगा जब आप गेम खेलोगे। तो उसके लिए माइक को नीचे कर लेते हैं थोड़ा, वॉल्यूम अपना फुल है, अभी गेम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका वॉल्यूम इतना प्रॉपर है कि वॉल्यूम बाहर तक आ रही है आवाज, और डेफिनेटली आप लोग को एक्सपीरियंस अभी तक समझ में आ चुका होगा। और गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा था आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और गेमिंग वाइब के लिए इसके अंदर यहाँ पे ग्रीन वाला ऐसे लाइट वाइट भी आता है, तो ये काफी सटल सा है, उतना दिखता नहीं है। और अगर बात करते हैं टच कंट्रोल के बारे में, मैं डबल टैप करता हूँ इसके ऊपर तो प्ले हो जाएगा, डबल टैप तो पॉज हो जाएगा अगेन, और आप सिंगल टैप करोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता है, जैसे कि राइट साइड पे कर रहा हूँ सिंगल टैप, देखो वॉल्यूम घट रहा है, और स्पीड सही है इसकी, लैग वैग नहीं करता, तो टच कंट्रोल भी अच्छा है। और अच्छी बात है कि अगर आप यहाँ पे हल्का सा फ्लेक्स देख रहे हो तो इसके ऊपर टच भी बहुत आराम से कंफर्टेबल सा होता है, और स्पेस बड़ा है तो टच में दिक्कत नहीं हो रही यहाँ पे बिल्कुल भी। और एक्सीडेंटल टच भी ट्राई कर लेते हैं, देखो कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करता यहाँ पे, अगर प्लास्टिक पे करते हैं
नहीं कर रहा ना, अपने उंगलियों पे किया तो प्ले कर जाएगा। और अगर बर्ड्स की बैटरी के बारे में बात करें, सिंगल चार्ज पे ये बर्ड्स आराम से आपको 6-7 घंटा चल जाएंगे। अगर आप 60-70% वॉल्यूम में सुनते हो, इतना अच्छा परफॉर्मेंस इस पे आराम से मिल जाएगा। और ये बहुत हल्के हैं, 4 ग्राम के हैं। और अगर इसके माइक के बारे में बात करें तो अभी हम लोग कॉल कर रहे हैं मुमताज को, यहाँ पे देख सकते हो विंग्स पावर पॉड्स कनेक्टेड है इसके ऊपर। वॉल्यूम कर लेते हैं फुल। सो ये वाली जो आवाज सुन रहे हो ये है विंग्स पावर पॉड्स गेमिंग एयरफोन से, और इसके अंदर यहाँ पे ऊपर की साइड माइक है इसके अंदर। और भाई आवाज कैसी आ रही है? बहुत तगड़ी आवाज आ रही है, लग रहा है फोन से बात कर रहे हो। बस कुछ भी नहीं, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत क्लियर आवाज है। ट्रैफिक की आवाज आ रही है बैकग्राउंड से? हाँ आ रही है, बहुत कम आ रही है, दूर से लग रहा है। आप थोड़ा लग रहा है पास चले गए हो, कहाँ हो भाई? मैं बाहर आया हुआ हूँ। बाहर चले गए? मजाक नहीं करते, एक्चुअली में इसका जो माइक है सही काम करता है, लेकिन मैं आपको आउटडोर के लिए रिकमेंड नहीं करूँ कि एकदम आराम से काम करेगा। इंडोर में पूरा पूरा काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ऑफिस में बैठे हो, घर में कुछ कॉल कर रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप गेम खेल रहे हो तो आपकी आवाज बहुत ही प्रॉपर जाने वाली, आपने भी एक्सपीरियंस भी किया। तो डेफिनेटली 1500 रुपए के हिसाब से तो आप इसको आराम से ले सकते हो। अगर आपको एक बहुत ही तगड़ी बैटरी लाइफ वाला ईयरफोन चाहिए विद गुड फिटिंग, अच्छी गेमिंग और गाना वाना भी सही चल जाएगा, तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। तो जाओ या खरीदो इसको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं इसको डेफिनेटली ट्रैवल के टाइम पे यूज करने वाला हूँ बैटरी की बिना कोई चिंता किए हुए।